Hey guys, welcome back to the channel. This is Vatan and you're watching VSC Vlogs. 0230 time हो रहा है दोपहर के and weather भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो I'm planning for a ride. थोड़े बादल वादल आ रहे हैं तो यार मे भी हो सकता है बारिश हो. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी अपोलोजाइज फर्स्ट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बिकॉज मैं इतने दिनों से व्लॉग नहीं कर रहा था. एंड व्लॉग ना करने के पीछे एक रीज़न है तो मैं आपको वो अगले व्लॉग में बताऊँगा. फिलहाल तो आप राइड इन्जॉय कीजिए एंड इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा. चलिए सिया. एंड यार गाइस, मैं तो ये बताना ही भूलिया कि आज मैं कौन सी बाइक से जा रहा हूँ. फिलहाल आई एम गोइंग विद हिमालयन कॉज ऐसे वेदर पे हिमालयन से अच्छी बाइक मुझे कोई लगती ही नहीं. कॉज इज़ अ पर्पज बिल बाइक ऑफ रोड एंड टूरर. ऑफ टूरिंग तो मैंने उससे इतनी नहीं की है, फिलहाल ऑफ रोडिंग बहुत की है. यार आप खेल सकते हो लिटरली हिमालयन से सीरियसली. और इस सेगमेंट में मुझे नहीं लगता हिमालयन से अच्छी कोई बाइक है. कॉज इस सेगमेंट की जितनी भी बाइक्स हैं मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक है. इलेक्ट्रॉनिक इज़ गुड बट ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक भी दिक्कत देता है. रॉयल एनफील्ड है तो टोटल रॉ है. आप कुछ भी करो आप लिटरली खेल सकते हो यार इस बाइक से. एंड या वन मोर थिंग, कुछ दिन पहले मैंने अपनी बाइक में एक नई एक्सेसरीज भी लगाई है. इट्स अ क्रैश गार्ड सी. मैंने ये वाला क्रैश गार्ड लगवाया हुआ है. पहले वाला जो था तो उसमें ऑफ रोडिंग नहीं हो पाती थी. ऑफ रोडिंग इसलिए नहीं हो पाती थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था. एंड बड़ा होने की वजह से यहाँ देखिए दिख रहा है ये स्क्रैच आने लग गए थे. इस स्क्रैच आने लगे थे और उसके बाद मतलब इसका जो पूरा सस्पेंशन ट्रैवल है वो भी कम हो गया था. कम से कम एक इंच वो हो गया था. वो लिटरली टकरा था मेरा टायर, उसकी वजह से ये डैमेज भी हो रहा था और इधर भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगी थी. तो ये वाला मैंने क्रैश गार्ड ऑर्डर किया, इसे लगवाया हुआ है. अच्छा है यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये वाला क्रैश गार्ड. इस क्रैश गार्ड की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ है, मतलब कॉर्नरिंग में. कॉज वो जो पुराना वाला था ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था. ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सेफ था वो क्योंकि निकला भी हुआ था पूरा लेग गार्ड. पूरी लेग गार्ड की वजह से पूरी बाइक बच जाती थी. ये थोड़ा छोटा है, अगर कुछ होता है तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा डैमेज होगा कंपेरेटिवली उस लेग गार्ड से. बट फिर भी यार इसको लगा के चलाने में बहुत मज़ा आता है सीरियसली. आप टोटल ऑफ रोड कर सकते हो उससे. एक तो ये लेग गार्ड भी है और इंजन कवर भी है. आपके इंजन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब जब हम गिरते हैं तो पत्थर वत्थर इंजन में लगता है तो उससे स्क्रैच भी आता है और डैमेज भी होता है. तो ऐसी सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होंगी. माई बाइक इज़ टोटली सेफ. चलिए अब इन्जॉय करते हैं राइड. गाइस सीरियसली इतने दिन बाद व्लॉग करना ना बहुत भारी पड़ रहा है मुझे. एंड भारी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कल मैंने अपने सारे इक्विपमेंट चेक किए थे और एवरीथिंग वाज वर्किंग फाइन. जब मैं आज राइड पे गया मैंने हर कुछ रिकॉर्ड किया, सब कुछ अच्छे से किया, मैंने अपना 100% भी दिया. मैंने इतनी सारी बातें की थी आप लोगों से यार, बट अब मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा है. मैं आया, मैंने सारे अपना डाटा जो है अपने सिस्टम में डाला. जब मैंने सॉफ्टवेयर में इम्पोर्ट किया तो गेस व्हाट भाई, आवाज़ ही नहीं है. आवाज़ इसलिए नहीं है कॉज मेरा माइक काम नहीं कर रहा था. एंड जो जितनी भी आवाज़ें हैं वो गोप्रो के इनबिल्ट माइक की है. तो इट मीन्स कि यार ऑब्वियसली मेरे माइक में कुछ फॉल्ट है एंड पता नहीं क्यों हो रहा है. मे भी हो सकता है उसकी बैटरी डाउन हो गई हो. कॉज बोया के माइक में वो छोटी वाली बैटरी लगती 1.5 वॉट की आई थिंक, सिल्वर कोटेड, तो वो ख़त्म हो गई होगी. मैंने थोड़ा बहुत चेक किया, अभी मेरे पास अवेलेबल भी नहीं है. अब अगला व्लॉग मैं अपने स्पेयर माइक से बनाने वाला हूँ जो पहले बनाता था. चलिए गाइस, जो हुआ सो हुआ. आई रियली वांट यू गाइस टू एंजॉय द सिनेमैटिक्स. ऑब्वियसली अब मेरे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं, तो इससे अच्छा मैं सिनेमैटिक्स ही अपलोड कर देता हूँ एडिट करके. अच्छा सा आई होप यू गाइज विल लाइक द वीडियो.
ओके गाइस, हम अपना ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, एंड इफ यू रियली लाइक द ब्लॉग प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस ब्लॉग एज मच एज यू कैन बिकॉज आई रियली नीड योर सपोर्ट. फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए एक नए राइड और एक नए एडवेंचर के साथ. बाय बाय, टेक केयर.